यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं झज्जर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की रैली को कामयाब बनाने का आह्वान किया। साथ ही अशोक तंवर ने बीजेपी पर भी जमकर वार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के बड़े से छोटे नेता सरकारी धन का उपयोग कर विदेशों में घूम रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सलाह दी कि बेशक वो विदेश में बैठकर अपनी सरकार चला ले, लेकिन वहां से कुछ सीखकर जरूर आए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया की मुहिम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने देश को डिजिटल तो नहीं बना पाई, पर डाउन इंडिया जरूर बना दिया। बसपा इनेलो के गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धोखा इनेलो की रग रग में बसा है। जब टिकट बंटवारा होगा तब बसपा का कितना हक मारा जाएगा, ये सबके सामने आ जाएगा। 29 तारीख को दिल्ली में होने वाली राहुल गांधी की रैली के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर हरियाणा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है। समय समय पर चिताने का सही कह रहा हूँ ना।